ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी कोडर। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्ट की। सो डार्ट है फ्लटर की ऑफिशियल लैंग्वेज। तो फ्लटर एक एसडीके है जो कि काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में लिखी हुई है, जैसे कि C++, जावा, इन सारी लैंग्वेजेस में लिखी हुई है। लेकिन हम जो कोड करते हैं वो करते हैं डार्ट लैंग्वेज में। तो आपको पता ही है कि हमारी फ्लटर की सीरीज़ चल रही है, लेकिन उससे पहले मेरे को लगा कि मेरे को एक डार्ट का बेसिक सेशन ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डार्ट नहीं पता होगी तो आपको बाद में हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्टी आए। ऑल दो कोई इतनी डिफरेंट नहीं है, बट स्टिल थोड़े बहुत सिंटैक्स इसके अलग हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये थोड़ी बोरिंग लगे, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो हो सकता है आपको बोरिंग लगे, तो इसे 2x में देख लेना, लेकिन देख लेना ज़रूर। मतलब हो सकता है कुछ आपको नया मिल जाए इस वीडियो में। और जिन्हें नहीं आती है प्रोग्रामिंग, या फिर जिन्हें पूरी शुरू से डार्ट सीखनी है, तो वो इसको नॉर्मल स्पीड पे देखना। तो मैं यहाँ पे dartpad.dev में हूँ। ये अच्छा ऑनलाइन कंपाइलर मेरे को मिल गया था, डार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल गया था मेरे को। कोई आईडी वगैरह अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। सबसे पहले हमें मिलता है ये मेन फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फ्लटर की एंट्री पॉइंट जो होता है फ्लटर ऐप का, होता है मेन फंक्शन। क्यों? क्योंकि डार्ट का भी एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन ही होता है। फ्लटर में जैसे हम मेन फंक्शन में रन ऐप कॉल करते हैं, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट है। सो डार्ट का एंट्री पॉइंट ये है। तो हम सारी चीज़ें यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कुछ भी चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है, प्रिंट मेथड। इसमें हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। सोनम गुप्ता बेवफा है, इसको अगर प्रिंट कराएं तो आपने देखा होगा कि एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेमी कॉलन नहीं लगाया। तो डार्ट की मेरे को बस एक ही गलत चीज़ लगती है कि अब भी ये सेमी कॉलन मांगते हैं, क्योंकि सेमी कॉलन आजकल की लैंग्वेजेस में मोस्टली नहीं होता, जैसे कि कॉटलिन वगैरह है। कॉटलिन अभी अभी आई है, इसमें सेमी कॉलन नहीं है। तो मेरे को, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एंड्रॉयड कर रहा हूँ, मेरे को उसकी आदत है, तो मेरे को ये थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारी हो गई, इसमें हम कुछ भी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल प्रिंट करा सकते हैं। तो अब वेरिएबल की बात करी, तो अब वेरिएबल देखते हैं हम डार्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल एक पॉइंटर होता है जो किसी वैल्यू को पॉइंट करता है। जैसे अब मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं नेम दे दूँगा देसी कोडर। तो नेम एक पॉइंटर है जो कि देसी कोडर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, और हमने इसका टाइप बताया वैर। तो वैर कोई टाइप नहीं है, वैर यूज़ होता है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस में, जिसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये हमारा स्ट्रिंग होगा, या फिर हमारा कोई नंबर होगा, या फिर हमारा कोई डेसिमल वाला नंबर होगा जिसे फ्लोट या डबल कहते हैं। तो ये हम स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज की तरह इसको अभी यूज़ कर रहे हैं। आप इसको स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू देसी कोडर। इसमें हमने पहले ही बता दिया कि ये स्ट्रिंग होगा, इसको आगे जाके अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ, इसको वन करना चाहूँ, तो ये नहीं होगा, मेरे को एरर दे देगा। ये देखो यहाँ पे इसने एरर दे दिया है, एंड इसको ऊपर करूँ तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया है, इंट कैन नॉट बी रीअसाइन टू अ स्ट्रिंग। तो ये दो तरीके हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। एक तीसरा भी तरीका है जिसे कहते हैं डायनामिक। तो ये डार्ट का स्पेसिफिक है। डायनामिक क्या करता है, ये आपको अलाउ करेगा कि आप इसको रीअसाइन कर दो और ये आपको एरर नहीं देगा। तो अगर मैं यहाँ पे नेम प्रिंट कराऊँ तो अभी वन प्रिंट होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे वन प्रिंट हो गया। अगर वहीं यहाँ पे मैंने वार यूज़ करा होता तो ये मेरे को एरर दे देता, कंपाइलर ही एरर दे देता, क्योंकि एक बार ये समझ चुका है कि ये स्ट्रिंग है, तो अब मैं उसे दोबारे यहाँ पर नहीं असाइन कर सकता। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप इसको स्ट्रिंग यूज़ करो, स्टैटिक टाइपिंग यूज़ करो। आप इसको वैर या डायनामिक मत रखो, क्योंकि वरना आपको रन टाइम के कभी कभी एरर्स आ जाते हैं, वो अगर आपकी ऐप बड़ी होगी तो आपको समझ में आएगा। तो ये हुआ हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका। अब आ जाते हैं हम फंक्शंस पे। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँ, ऐड कर दे, और ये दो ऑपरेटर दो वेरिएबल लेंगे, दो आर्ग्यूमेंट लेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, बस इनका एडिशन प्रिंट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे मैं ऐड कर दे को कॉल करूँ, ऐड कर दे 1,2, तो मेरे को यहाँ पे 3 दिखना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे 3 दिखाए। तो फंक्शन आपका आपको हेल्प करते हैं अपने कोड को बेटर स्ट्रक्चर करने में। अगर मैं यहीं पे 1+2 कर देता और फिर आगे जाके मैं और 1-2 वगैरह वगैरह करता तो मेरा कोड काफ़ी कम्बरसम हो जाता है एक बड़ी ऐप में। इसको एक और तरह से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी हम यहाँ पे प्रिंट कराने, जबकि इसका काम सिर्फ ऐड करना है। तो इसको हम और बेटर करने के लिए एक वैल्यू रिटर्न करा देंगे जो कि होगी num1 + num2। अब अगर हम इसे कॉल करें, ऐड कर दें एंड इसकी वैल्यू स्टोर करा लें हम रिज़ल्ट वेरिएबल में, एक मिनट, रिज़ल्ट वेरिएबल में मैंने इसकी वैल्यू स्टोर कराई जो यहाँ से रिटर्न कर रहा है। अब मैं प्रिंट कर दूंगा रिज़ल्ट को, तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे एक एरर आना चाहिए, एक सटल एरर है जो कि आप पता नहीं पकड़ पाओगे या नहीं। तो ये वॉइड हमने अभी अपना फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है, तो ये रिटर्न टाइप है फंक्शन का, ये बताता है कि फंक्शन क्या चीज़ रिटर्न करता है। वॉइड का मतलब एम्प्टी, कुछ नहीं रिटर्न करेगा, लेकिन हम तो रिटर्न करा रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर रिटर्न करा रहे हैं, तो हमें करना पड़ेगा इसे इंट, कि ये हमारा इंटीजर है दोनों और इंटीजर ही रिटर्न करेंगे। तो नाउ यू कैन सी अब कोई एरर नहीं है और ये हमारे आसानी से प्रिंट हो गया है। तो ये थे हमारे फंक्शन। अब यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट को भी हम बता सकते हैं कि इसको इंट लेना है या डबल लेना है, क्या लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ 2.5 पास कराने की तो मोस्ट प्रॉब्ली एक एरर देगा, देख लेते हैं क्या एरर थ्रो होता है। सो डबल कैंट बी असाइन टू इंट, सो मैंने यहाँ पे डबल पास करा, इसने इसको असाइन करने की कोशिश करी जब एरर आ गया, क्योंकि हमने इंट डिक्लेयर कर रखा है। अगर मैं इसको इंट हटा दूँ यहाँ से तो देखते हैं क्या होता है, मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए फिर तो, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। लेकिन रिटर्न टाइप हमने अब भी इंट दिया हुआ है, डबल इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ इंट, तो ये अब भी इंट। ये एरर किस लिए आया, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट रिटर्न टाइप दिया हुआ है, जबकि 1.5 1 + 2.5 3.5 होता है जो कि डबल है। तो अगर मैं इसको डबल कर दूँ, अब देखें चला के, हाँ तो अब हमारा रिजल्ट प्रिंट हो गया और कोई एरर नहीं है। तो इसलिए मेरे को स्टैटिक टाइप चेकिंग थोड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पे डायरेक्टली कंपाइलर हमें बता देता है कि कोई एरर है यानी आपके कोड में। तो ये तो थे आपके फंक्शंस, ऐसे ही आप काफ़ी सारे अपने कस्टम फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हो एंड उसके रिटर्न टाइप वगैरह दे के आप उन्हें आराम से यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं फ्लो स्टेटमेंट्स पे, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, अपना इफ़ ब्लॉक, इफ़ एल्स, अपना फॉर लूप। तो आपको दिखाता हूँ बेसिक इफ एल्स कैसे काम करता है। वेयर एज इज़ इक्वल टू 12, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा एज, एंड अगर एज 18 से कम है तो मैं प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे प्रिंट छोटा है भाई तू, अब इसको सेमी कॉलन, मेरी थोड़ी आदत कम है सेमी कॉलन की, सेमी कॉलन दिया। अब अगर एज 18 से ज़्यादा है प्रिंट ठीक है। तो अभी हमारा क्योंकि ये 12 है तो मेरे हिसाब से ये प्रिंट होना चाहिए छोटा है भाई तू, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। हाँ एकदम सही, अगर वहीं मैं ऐसे 22 कर दूं तो देर यू गो। तो ये हमारा बेसिक इफ एल्स स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे एक इफ एल्स भी लगा सकते हो आप, एल्स इफ सॉरी, अगर पच्चीस से छोटा है, एज लेस देन 25 है, अब भी छोटा है, अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है, क्योंकि हमारा 18 से तो बड़ा है नंबर, तो ये वाला कंडीशन पास हो गई, लेकिन हमारा ये 25 से छोटा है तो हम यहाँ वाले पे पकड़े गए, तो यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। अब देखते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप यहाँ पे कैसे काम करता है, आप एक एरे बना सकते हो, मैं यहाँ पे लेता हूँ सोलर सिस्टम, एक एरे बना लेता हूँ अर्थ मून सन मार्स
जुपिटर, ये मैंने एक एरे बनाया। अब इसके ऊपर इटरेट करके, मतलब इसके एक एक वेरिएबल को लेके मैं प्रिंट कराऊंगा कुछ। तो इसमें हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, इसको फॉर ईच लूप भी कहते हैं। वेयर प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो इसको एक मिनट, सॉरी, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है ना, फॉर ईच प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो मतलब फॉर ईच वेरिएबल इन दिस डू समथिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ प्रिंट कराना है। अगर मैं रन कराऊँ तो ये प्रिंट हो जाने चाहिए एक एक करके सारे, तो ये सारे प्रिंट हो गए। तो फॉर ईच प्लैनेट, फॉर ईच वेरिएबल इन सोलर सिस्टम एरे, हमारे ये जो एरे है प्रिंट करना है हमें उस वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो ये हमारा फॉर लूप हो गया। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आप इसको, फ्लटर सॉरी डार्ट का एक ये सिंटैक्टिकल शुगर है। आप एक और काम कर सकते हो, फॉर ईच आप इस पर कॉल करो, एंड फॉर ईच में हम इसको पास करा देंगे, क्या कराएं, हम इसमें प्रिंट पास करा देते हैं, ठीक है, दोबारा प्रिंट कराते हैं। तो देखते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये फंक्शन क्या करता है। तो ये इसमें दोबारा ये प्रिंट कराया है। तो अब मैं यहाँ पे कह क्या रहा हूँ, सोलर सिस्टम के फॉर ईच हर वेरिएबल पे तुम प्रिंट फंक्शन चलाओ। तो ये प्रिंट मैंने जो पास करा है ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये फंक्शन का रेफरेंस पास हुआ है। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, इस एरे का हर ऑब्जेक्ट लेके प्रिंट स्टेटमेंट को देगी और प्रिंट स्टेटमेंट अपना काम करेगा। ऐसे ही आप कस्टम फंक्शन दे सकते हो कि इसको सबको कैपिटलाइज कर दो, या मतलब जो भी आप देना चाहते हो आगे। तो ये बेसिकली एक थोड़ा सा सिंटैक्टिकल शुगर है, मेरे को लगा इंटरेस्टिंग होगा तो मैं यहाँ पे बता दूँ। तो ये हुए हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसमें वाइल लूप भी होता है, तो वाइल ट्रू, मैं अभी यहाँ पे कंडीशन नहीं दे रहा, प्रिंट हेलो हेलो, अगर प्रिंट कराऊँ तो ये काफ़ी सारा रन होने लग जाएगा। तो ये रन नहीं हुआ, शायद ये ओवरफ्लो कर गया होगा। तो एक काम करते हैं, हाँ ये ओवरफ्लो कर गया, ये मेरा हैंग हो गया है सिस्टम, ये देख रहे हो बटन क्लिक नहीं हो रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रिफ्रेश करने दो इसको, हो जा भाई जल्दी। अरे भाई रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है, तो नहीं खोल रहे क्या, हाँ इसमें तो गलत ही चीज़ कर दी हमने, ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वाइल तो ये कभी फिर रुकेगा नहीं और वो स्टैक और फ्लो हो गया होगा इसलिए सिस्टम हैंग हो गया। तो बट आप बेसिक समझ गए कि मतलब इसमें फॉर इफ़ और वाइल कैसे यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं क्लासेस पे। तो क्लासेस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में। क्लासेस क्या करता है कि मल्टीपल तरह के वेरिएबल्स को एक अलग ही अपने यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर में इनकैप्सुलेट कर देता है। तो क्लास डिक्लेयर करने का तरीका है क्लास, पर्सन और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये काफ़ी सारे वेरिएबल ले सकता है। अगर मैं इसमें स्ट्रिंग दूँ नेम का और एक इंट दूँ एज का, तो ये दो चीज़ें होल्ड करेगा, एक तो स्ट्रिंग नेम और एक इंट एज। जबकि नॉर्मल वेरिएबल जो होते हैं वो एक ही चीज़ होल्ड कर सकते हैं, या तो स्ट्रिंग होगी या एज होगी। एंड हम इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये सेम नेम का फंक्शन होता है, जैसे क्लास का नेम पर्सन है तो एक फंक्शन होगा जिसका नेम पर्सन होगा और ये इन दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करेगा जो नेम और एज है। तो डार्ट में कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, दिस डॉट नेम दिस डॉट एज। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ करके ये हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हमें जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी होगी, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करनी होगी, तो वेयर पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन, एंड हमें इसमें पास करना पड़ेगा एक तो नाम और एक पास करनी पड़ेगी एज। अब अगर हमें ये वेरिएबल एक्सेस करना है तो उनको एक्सेस करते हैं हम डॉट ऑपरेटर से। तो अगर मैं यहाँ पे नाम प्रिंट कर रहा हूँ तो पी डॉट नेम, नेम यूज़ करेंगे हम, ठीक है, प्रिंट कराएं, रन करें तो मेरा ये नाम प्रिंट हो गया। ऐसी एज भी कर सकते हैं,
तो इन ये जो हमने आर्गुमेंट यूज़ कर रहे हैं इन्हें कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट, कि ये मैं ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मैं 18 दे दूँ वो एज को असाइन हो जाए और फिर मैं नाम दे दूँ और वो इसको असाइन हो जाए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं नेम्ड कंस्ट्रक्टर, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। इसमें अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स डाल दूँ तो अब मेरा ये देखो एरर आ गया, क्योंकि अब ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स लेगा। तो मेरे को इसको डिक्लेयर करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, पहले मैं नेम लिखूँगा कॉलन और फिर उसका उसकी वैल्यू, और अब मैं लिखूँगा एज एंड इसकी वैल्यू, और अब इसको रन कराऊँ तो एज प्रिंट हो गई। तो ये मेरे को क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आप किसी भी ऑर्डर में आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ तो मैं नेम दे सकता हूँ यहाँ पे, एंड अब भी ये सही से काम करेगा। कुछ और प्रिंट कराते हैं, एज 10, ये मेरी असली एज नहीं है वैसे, 10 प्रिंट कराई एंड आपने देखा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और मेरे को ये काफ़ी पसंद है। आप नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे एक और होता स्कोर मान लो, तो दिस डॉट स्कोर, आप इन दोनों को मैं एक साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्कोर पहले दूंगा 200 और फिर मैंने एज और नेम दे दी, तो मेरा ये भी चल जाएगा, मोस्टली चल जाना चाहिए। मैं इसमें स्कोर प्रिंट कराऊँ तो एज यू कैन सी मेरा ये भी चल गया। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ अ क्लास इन डार्ट। हम क्लास ऐसे यूज़ करते हैं डार्ट में। अब इस क्लास में और भी चीज़ें होती है, जैसे इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एंड मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर के और क्या टाइप्स होते हैं। एक होता है नेम्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को पहले से इनिशियलाइज़ कर सकते हो और कुछ प्रॉपर्टीज़ आप बाहर से मंगवा सकते हो। जैसे हो सकता है मैं चाहूँ कि मेरा नाम हमेशा सेम रहे, बस मैं एज और स्कोर मंगवा दूँ बाहर से। तो मैं नाम हमेशा यहाँ पे फिक्स कर दूँगा, बस बाहर वाले को कहूँगा कि मेरे को एज और नेम बता दे और तेरा काम हो गया, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे नेम्ड कंस्ट्रक्टर, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आप लोग कहीं बोर ना हो जाओ। तो अगर ये वीडियो पसंद आई, आपको हेल्पफुल लगी, तो इसको लाइक करे बिना मत जाना। एम करते हैं इस बार भी 5 लाइक्स का। 5 लाइक वैसे हो नहीं रहे, पिछली वीडियो में भी नहीं करे आप लोगों ने, लेकिन एम करते हैं 5 लाइक्स का। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि अगली वीडियो भी काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।